हमारे रकीम प्रूव दैट लॉग बेस ए एम डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। पिछले सवाल में हमने क्या किया है, दो मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर और हमने उनका सम लिया था। अब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसको कोशेंट रूल भी कह सकते हैं। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। तो चलें इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में मैं लिखूंगा सबसे पहले कि ये जो आपके पास टर्म है इसको मैं क्या कहूंगा, एक्स, और इस टर्म को मैं लेट करता हूं कि ये क्या है, वाई है। लेट लॉग बेस ए एम इज इक्वल टू एक्स, इसी तरह जो दूसरी है लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू वाई। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है ये। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो ये बन जाएगी ए की पावर कितनी बनेगी, एक्स इज इक्वल टू एम। अब लॉग खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर आ गई है ना, तो पावर वाली फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब लॉग होता है तो उसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, जब पावर होती है तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये कितना बनेगा, ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एन। आपको पता है कि मैंने इस इक्वेशन को वन कहा था और यहाँ पे इसको टू कहा था। पिछले सवाल में हमने दोनों को क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ m डिवाइडेड बाई n। m की वैल्यू कितनी है, a रेज टू पावर x, वेरी गुड। और n हमारे पास है a रेज टू पावर y। बच्चों अब भी बेस को इकट्ठा करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, बोलें m डिवाइडेड बाई n विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर x माइनस y। अब भी बेस इकट्ठा हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये बन जाएगा लॉग बेस कितना बनेगा, ए एम डिवाइडेड बाई एन विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो दोबारा यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस ए एम डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग ए एम माइनस वाई लॉग ए एन। इस तरीके से हमने ये आइडेंटिटी